हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एके त्यागी। वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल एएसएल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी इस बार एक वीडियो बनाने की, यानी कंजंक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाने की, तो उसी के उस रिक्वेस्ट को देखते हुए आज मैं जो आज की वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, वो कंजंक्शन के ऊपर है। और दोस्तों, इस वीडियो में एक्चुअली इस वीडियो के लगभग तीन पार्ट्स बनेंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ लिटिल लेंथी। तो फ्रेंड्स, आप तीनों पार्ट्स को जरूर देखना। पहले पार्ट्स में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो दो पार्ट्स आपके बनेंगे वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बनेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, और जिन भी लोगों को कंजंक्शंस को लेकर कंफ्यूजन्स रहता है या फिर वो डाउट्स में रहते हैं कि कहाँ पर किस कंजंक्शंस का यूज़ करना चाहिए या फिर किन सिचुएशंस में हमें यूज़ करना चाहिए, वो सारे डाउट्स इस वीडियो के बाद, इन तीन पार्ट्स के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। दिस इज माय गारंटी। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो ऑफ द डे। तो इसमें जो आज, जैसा कि मैंने बोला कि कंजंक्शंस को हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को जानेंगे कि व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन एक्चुअली वो कनेक्टर होता है विच इज यूज टू कनेक्ट द वर्ड्स, फ्रेज या क्लोजेस। तो जो भी हम शब्दों को जोड़ने या वाक्यांश या फिर क्लोजेस को जोड़ने के लिए जिन कनेक्टर्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंजंक्शंस। तो वो एक कंजंक्शन के रूप में माना जाता है, जिसको संयोजक हम हिंदी में कहते हैं। यानी कंजंक्शन वह शब्द या शब्दों का समूह होता है, बिकॉज हम इसको फ्रेजेस में भी कई बार यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड वर्ड जैसे होते हैं। तो जो दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यांश या उपवाक्य यानी क्लोजेस को जोड़कर जोड़ देता है, यानी या फिर सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राम एंड श्याम विल कम। तो यहाँ पर राम एंड श्याम, देर आर टू पर्सन्स, तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, तो दोनों को एंड से हमने जोड़ा है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्युलेटिव कंजंक्शन। पीपल्स इग्नोरेंस एंड द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पीपल इग्नोरेंस, यहाँ पर दो फ्रेजेस हैं एक्चुअली, दीज आर द टू फ्रेजेस, और यहाँ पर हमने इनको एंड से जोड़ा है। तो फ्रेजेस का मतलब होता है, यानी दो या दो से अधिक शब्द जिनका अपना एक अर्थ होता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होती, एंड दे ऑलवेज बिकम द पार्ट ऑफ यू नो सेंटेंसेस। तो ये वे हमेशा हमेशा पार्ट में ही यूज होते हैं, तभी इनको वाक्यों का अंश बोला जाता है, दीज आर द फ्रेजेस। दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, दैट तीसरा, यानी शी सेड दैट शी वुड कम। तो यहाँ पर शी सेड दैट शी वुड कम, तो उसने कहा कि वो आएगी, उसने कहा था, तो दैट ये सी सेड, यहाँ पर ये एक आपका प्रिंसिपल क्लोज है, और दैट सी वुड कम ये आपका सबॉर्डिनेट क्लोज है, और सबॉर्डिनेट क्लोज का क्रिएशन हमने यहाँ पर दैट कंजंक्शन को जोड़ कर किया है। तो ये आप एक में राम और श्याम को एंड से जोड़ा है, और पीपल इग्नोरेंस और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हमने एंड से जोड़ा है। तो यहाँ पर ये दोनों आपके कनेक्टर्स हैं। तीसरे सेंटेंस में हमने सी सेड, यानी जो क्लोज है आपका, उसको दूसरे क्लोज सी वुड कम से हमने जोड़ा है। तो यहाँ पर देखो, वर्ड से वर्ड को, फ्रेज से फ्रेज को, और क्लोज को क्लोज से कनेक्टर्स जोड़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द कंजंक्शन। अब इसमें थोड़ी सी और हम लिस्ट में जान लेते हैं कंजंक्शंस को, थोड़ा सा तेजी से जानने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ सम कॉमन कंजंक्शंस और उनके मीनिंग, जैसे एंड, अदरवाइज, और एल्स, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, नीदर, नॉर। तो यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है प्रोनंसिएशन में, कई बार लोग नाइदर या नीदर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि नीदर और नाइदर दोनों ही प्रोनंसिएशन, और ईदर और आइदर दोनों ही प्रोनंसिएशन करेक्ट होती है। यानी अगर हम अमेरिकन इंग्लिश में इसकी प्रोनंसिएशन करते हैं, तो वहाँ पर नीदर और ईदर बोला जाता है, जबकि वेर एस इफ यू टॉक अबाउट इन इंडियन ब्रिटिश इंग्लिश, तो वहाँ पर हम आइदर और नाइदर का भी यूज करते हैं। तो बोथ आर करेक्ट, so that, so as, whether or, whether or, as soon as, or, not only but also, wherever, where, whenever, while, as well as, hence, I, either, either or, both and, to, as, so, but, no sooner than, scarcely whence, hardly when, where, when, until, unless, because, lest and should.
तो लेस्ट के बाद हमेशा हम शुड का ही यूज करते हैं, बिकॉज लेस्ट के बाद जो भी आप सबऑर्डिनेट क्लोज बनाते हैं एडवर्ब क्लोज में, तो वहां पर हम सभी सब्जेक्ट के साथ ग्रामेटिकली शुड का ही यूज करते हैं. दैट इज करेक्ट. ओके, सच दैट, प्रोवाइडेड, दो, वेयर एज, एज दो, इफ, एज इफ, ऑल दो, नेवर दी लेस, एज फॉर एज. तो ये सभी आपके कनेक्टर्स हैं, ठीक है. और इनके अलावा आप बहुत सारे कनेक्टर्स को वन बाय वन आगे पढ़ेंगे. ये एक ऐसा टीजर जिसको बोलते हैं ना, जैसे ट्रेलर है. तो कुछ कंजंक्शंस को मैंने बताया जिसमें आपके कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग सभी मिक्स है, ठीक है. फिर हम इनको अपने पार्ट नंबर 2 और 3 में बहुत ही डीपली पढ़ेंगे. तो अभी हम अपने स्लाइड नंबर 3 पर आ जाते हैं, जहां पर टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस की बात करते हैं, यानी कंजंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं. तो कंजंक्शन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं. नंबर 1 इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द सेकंड 1 इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो, तो ही रेड द नोट्स एंड ही रिटर्न इट टू मी. तो उसने नोट्स को पढ़ा और उसने मुझे इसको वापस कर दिया. एंड ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम एंड शी वर्क्ड हार्ड येट She failed. तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम coordinating conjunctions को समझने की कोशिश करेंगे. Coordinating conjunction जहाँ भी आता है, उसके बाद जो भी आप close रखते हैं, sorry, तो उस close को वो coordinate close create कर देता है, यानी उसको coordinate close बना देता है. और just we have to remember that कि जब भी हम compound sentence बनाते हैं, तो compound sentence में एक हम इंडिपेंडेंट, जिसको प्रिंसिपल या मेन क्लोज बोलते हैं, उसके साथ हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करके दूसरा आपका कोऑर्डिनेट क्लोज बनाते हैं, जो कि आपके प्रिंसिपल क्लोज को कोऑर्डिनेट करता है. दोनों हालांकि इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम दो क्लोजेस वहां बनाकर कंपाउंड बनाते हैं. इसे इस तरह से समझें, इन वाक्यों में एंड बट येट नामक कंजंक्शन द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा गया है जो स्वयं अपना अपना अर्थ प्रकट करते हैं. अब यदि इन वाक्यों को अलग अलग क्लोज में बांटा जाए, तो एक प्रिंसिपल क्लोज बनेगा और दूसरा आपका कोऑर्डिनेट क्लोज. तो जैसा मैंने बोला कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट एक तरह से प्रिंसिपल क्लोज ही होता है, बट प्रिंसिपल क्लोज हम दोनों को नहीं बोल सकते, बिकॉज एक आपका मेन क्लोज है और दूसरा उसको सपोर्ट कर रहा है, वहां पर कोऑर्डिनेट करता है. अगर हम इन दोनों क्लोजेस को अलग अलग सेपरेट लिखकर पढ़ने की कोशिश करें या समझने की, तो दोनों ही क्लोजेस अपने अपने आप में पूर्ण होते हैं, सक्षम है अपने अर्थ को देने में, कोई किसी पर डिपेंड नहीं होता. इसीलिए यहाँ पर इसे हम कोऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, ना कि सबऑर्डिनेट क्लोज. और अच्छे से जानने के लिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है. A coordinating conjunction is a word that connects word, phrases or sentences, clauses. Yani that means coordinating conjunction एक ऐसा word होता है जो connects करता है thing, आपके words को, phrases को, जैसे ऊपर मैंने examples दिए थे, या फिर आपके clauses को. लेकिन यहाँ पर एक बात खास ध्यान रखने वाली है, इस line पर आप ध्यान दें. Look at the screen, have a look. When a coordinating conjunction joins together two clauses, the point देखो यहां पर क्या है कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन करता है दो क्लोजेस को, तो वही बात है कि जस्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कंपाउंड सेंटेंस. तो द रिजल्टिंग सेंटेंस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस. तो जब भी कभी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करके दो क्लोजेस को जोड़ेंगे, तो रिजल्ट कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है. तो इन कंपाउंड सेंटेंस बोथ क्लोजेस, प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेट क्लोजेस, आर अलाइक इन वैल्यू. तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, कि जिस तरह यानी प्रिंसिपल क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज दोनों ही वैल्यू में बिल्कुल समान होते हैं, ठीक है. बट हम उसे कोऑर्डिनेट क्लोज क्यों बोलते हैं, बिकॉज उससे पहले आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज कर रहे हैं. यू क्रिएटेड अ कोऑर्डिनेट क्लोज, आपने वहां पर बनाया. तो जिस कंजंक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लोज बनी हो, उस कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, सिंपल, ठीक है. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी जब भी कभी हम कोई कंपाउंड सेंटेंस क्रिएट करते हैं, कोई कंपाउंड सेंटेंस आप क्रिएट कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहां पर जो भी आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बना रहे हैं, तो उसके बाद वाला, यानी उससे जैसे ही आपका जो क्लोज स्टार्ट होता है, वो आपका कोऑर्डिनेट क्लोज कहलाता है. और कोऑर्डिनेट क्लोज हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होता है. तो कितना अच्छी पहचान हो जाती है. और दूसरा एक तरीका मैं और बताता हूँ कि यहाँ पर कोई भी सेंटेंस किसी पर डिपेंड नहीं होता. देखो मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर.
यदि आप पढ़ना चाहते हैं, मैंने एक सेंटेंस बोला, इफ यू वांट टू स्टडी वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, इफ यू वांट टू स्टडी, और मैंने इतना बोलकर ये सेंटेंस बंद कर दिया, ठीक है, आई एंड दिस सेंटेंस, तो आप क्या है इस पूरे सेंटेंस की सेंस को समझ पाएंगे? यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। तो इस क्लोज को, जिसको मैंने क्लोज बनाया, यानी दिस इज कॉल्ड द उपवाक्य, अभी आपको फील हो जाएगा कि ये किसी एक बड़े सेंटेंस का छोटा सा उपवाक्य है, यानी क्लोज है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको डिपेंड होना पड़ेगा एक किसी प्रिंसिपल क्लोज पर। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी, ठीक है, तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, यू हैव टू कम टू मी। तो यू हैव टू कम टू मी, यू विल हैव टू कम टू मी इफ यू वॉन्ट टू स्टडी। तो यहां पर यू विल हैव टू कम टू मी या यू हैव टू कम टू मी, ये आपका प्रिंसिपल क्लोज है, ठीक है, या यू हैव टू फोन मी, आपको मुझे फोन करना होगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इफ यू वॉन्ट स्टडी। तो यहां पर इफ यू वॉन्ट टू स्टडी, जैसे ही आपने इफ से आपका क्लोज स्टार्ट हुआ, तो दैट इज कॉल्ड द सबोर्डिनेट, जिसके बारे में अभी नहीं बात कर रहे, अभी हम सेकेंड या थर्ड पार्ट में इसके बारे में बात करें। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट दोनों ही आपके सबोर्डिनेट के बारे में होंगे, अभी फर्स्ट पार्ट आपका कोऑर्डिनेटिंग के बारे में है। और अगर आप कंजंक्शंस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं और उसको बहुत, यानी एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको तीनों ही पार्ट, यानी कंजंक्शन की तीनों पार्ट को बहुत ही माइन्यूटली देखना होगा दोस्तों। यस, वंस अगेन आई एम गोइंग टू मेक यू रिक्वेस्ट टू वॉच ऑल द थ्री पार्ट्स ऑफ कंजंक्शन, सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए एंड आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आई होप कि आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस समझ में आ गया। तो अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, ताकि अभी आप देख पा रहे हैं कंजंक्शंस, यानी स्लाइड नंबर 4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं, तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ लाइक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। 1 इज कॉम्युलेटिव कंजंक्शन, कॉम्युलेटिव दैट मीन जो संयोजक होता है, यानी एक एक संयोजक की तरह काम करता है, जिसमें एंड एज सॉरी एज वेल एज ऑल्सो both as well both and not only but also TOO not less than, इन कुछ conjunctions का हम use करते हैं, जिसको हम आगे यानी use of conjunctions में पढ़ेंगे slide number 3 में। तो इन conjunctions के द्वारा एक word को दूसरे word से, phrase को दूसरे phrase से, और clause को दूसरे clause से, या फिर किसी एक नाउन को दूसरी नाउन से, या प्रोनाउंस को, या फिर एडजेक्टिव्स को आपस में जोड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज रिच एंड हैप्पी, तो यहाँ पर रिच एंड हैप्पी दोनों एडजेक्टिव्स हैं, दोनों को एंड में जोड़ा है। राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, तो राम भी आ रहा है और श्याम भी आ रहा है, तो राम और श्याम भी आ रहा है, तो यानी राम के साथ श्याम भी आ रहा है। तो यहाँ पर एज वेल एज का यूज हमने एज ए कम्युनिटी कंजंक्शंस की तरह यूज किया है। आई वेंट टू आगरा एंड सॉ द ताज, तो यहाँ पर मैंने वेंट को सॉ से जोड़ा है, दो एक्शंस को हमने यहाँ पर जोड़ा है, तो मैं आगरा गया और मैंने ताजमहल देखा। इसी तरह हम ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस का यूज करते हैं। ऑल्टरनेटिव में एक्चुअली क्या होता है कि हमें दो विकल्प होते हैं, जिसमें से एक को चुनने का बोध होता है। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ऑल्टरनेटिव, दैट इज यानी ऑल्टरनेटिव ऑप्शनल थिंग होती है कोई, तो इसमें हम आइदर और, जिसको ईदर और, नाइदर नोर या नीदर नोर, एल्स अदरवाइज या और का यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा डू और डाई, तो डू और डाई मतलब करो या मरो, तो दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है, आइदर यू कम इन और गो आउट, या तो अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ। नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड कम्स हियर, तो ना तो राम आता है ना उसका दोस्त आता है, तो इसमें से हम किसी यानी विकल्पों में से एक विकल्प का बोध कराता है, दैट्स कॉल्ड द ऑल्टरनेटिव, ठीक है। जैसे इधर सिट क्वाइटली, या तो शांति से बैठ जाओ आराम से यानी चुप, या फिर आप निकल जाए, आई मीन दैट यू गो अवे, या यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, तो या तो आपको तेज दौड़ना होगा या फिर आपकी ट्रेन छूट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं आपका ऑल्टरनेटिव। नाउ वी टॉक अबाउट द एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस मतलब विपरीतता, जहां पर हम यानी विरोधाभास क्रिएट करते हैं, यानी एक दूसरे के विपरीत हो जब, तो जैसे कंजंक्शंस के द्वारा ऐसे वाक्यों या अथवा नाउन प्रोनाउंस इत्यादि को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे से विपरीत हो। तो इसमें हम बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदिलेस, व्हाइल एंड वेयर एज का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, दैट सी इज 20 वेयर एज हर हस्बैंड इज 50, तो वो 20 साल की है या 20 वर्ष की है, जबकि अगर देखें तो उसका पति 50 वर्ष का। तो यहाँ पर एक
एडवर्जन यानी दैट इज एक विपरीतता क्रिएट होती है। जैसे ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, तो वो धनी है लेकिन वो खुश नहीं है, तो धनी होने के बावजूद भी खुश नहीं है। ही इज इंडस्ट्रियस, वो मेहनती है, परिश्रमी है लेकिन स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, लेकिन फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं, यानी दैट इज कॉल्ड द एडवर्सिटी। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इलेटिव कंजंक्शंस, तो इलेटिव कंजंक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो दैट इज इन कंजंक्शंस के द्वारा दो ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम, यानी दैट इज इसमें दो, हम क्या करते हैं कि कोई भी एक क्लोज दूसरे क्लोज का परिणाम होता है। जैसे आई वॉज अनवेल या आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, तो मैं बीमार था, उसका परिणाम क्या हुआ कि मैं नहीं आ सका, दिस इज द रीजन। तो ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड द एग्जाम, उसने मेहनत की थी इसीलिए वो एग्जाम में पास हो गया था, दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ दैट। तो दैट इज कॉल्ड द इलेटिव कंजंक्शंस। तो दोस्तों ये आपके कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं जिनका थोड़ा सा एक टीजर यानी ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है। पार्ट नंबर सेकंड एंड पार्ट नंबर थर्ड में जो भी आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम कराएंगे, बाकी इनके यूजेस कराएंगे, कहाँ कहाँ इनको यूज करते हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, तभी आप मेरा साहस बढ़ाएंगे एंड दैट आई विल बी मेकिंग सम मोर वीडियोज, ओके, जो कि बहुत अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोज और आगे बनाऊंगा मैं आपके लिए। और जो भी मेरे चैनल पर आज नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, तभी मुझे फील होगा, रियलाइज़ होगा कि यू आर गोइंग टू सपोर्ट मी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी तक के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।